बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लेक्चर 0107। स्टूडेंट्स यूनिट 1 की एक्सरसाइज 20 करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 20 में आपने क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग बोर्ड मैथ्स। अब बोर्ड मैथ्स को यूज़ करते हुए आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स उससे पहले आपको बताते चलो कि बोर्ड मैथ्स जो है वो किस लिए होता है, क्यों अप्लाई किया जाता है। ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन बोर्ड मैथ्स वो ऐप ब्लॉन्ट, ये पेज नंबर 19 अपनी बुक्स का ओपन करें और यहाँ पे ये येलो ब्लॉक है इसके रीडिंग करें जरा। वो ऐप ब्लॉन्ट हाउ टू ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यूजिंग लार्ज नंबर्स। मीन्स कि आप पहले से जानते हो कि आप ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कैसे करते हो, बट समटाइम्स वी नीड टू डू मोर देन टू ऑपरेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू गेट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो है गेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, इट इज़ नेसेसरी टू परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन इन द करेक्ट ऑर्डर। कि जब आप मल्टीपल ऑपरेशन मोर देन वन ऑपरेशन आप यूज़ कर रहे होते हो तो उसको आपने करेक्ट ऑर्डर के साथ जो है वो यूज़ करना है। फॉर वट वी यूज़ अ मैथड नोन एज बोर्ड मैथ्स, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बोर्ड मैथ्स का मैथड जो होता है। अब ये बोर्ड मैथ्स क्या होता है, अल्फ़ाबेट जो है बोर्ड मैथ्स के वो किस लिए यूज़ होते हैं, ये हम देखें। बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स और ऑर्डर, डी जो है वो डिवीजन का एब्रीवेशन है और एम जो है वो एब्रीवेशन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। एंड एस ए एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स आपकी बुक के पेज नंबर 19 पे ये हाँ भाई गिवन है, यहाँ से आपने इसको लर्न करना है। बी ब्रैकेट्स फॉर ओ ऑफ ऑर्डर पावर स्क्वायर रूट्स क्यूब एंड डी एम जो है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ए एंड एस जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी जो आपके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज नंबर 20 में आप यूज़ करोगे बी डी एम एंड ए एस, ऑर्डर जो है वो फ़िलहाल अभी यूज़ नहीं कर रहे, नेक्स्ट क्लासेस में आप करेंगे। पेज नंबर 20 ओपन करें स्टूडेंट्स अपनी बुक्स का। इन एक्सरसाइज 20 सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग बोर्ड मैथ्स। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास इसमें डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। मोर देन वन जब आप मोर देन वन ऑपरेशन जब आप अप्लाई करते हो तो आप क्या करोगे, बोर्ड मैथ्स का रूल यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखें यहाँ पे ब्रैकेट्स भी है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब बोर्ड मैथ जो है वो आपको ये बताता है कि आपने किस ऑर्डर से सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन है इस तरह का तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, नेक्स्ट आपने क्या करना है डिवीजन को, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बी पार्ट देखिए इस एक्सरसाइज का, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स एडिशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, मोर देन वन ऑपरेशन है यहाँ पे। तो इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जैसे कि आपको बोर्ड में ऐसे क्लियर है कि बी सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे है बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स, तो आप फर्स्ट स्टेप जो इसका करोगे ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन में ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहला स्टेप ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है बोथ ब्रैकेट्स, इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन को पहले करना है, 6 4 24 प्लस का साइन एज इट इज़ राइट करें एंड 10 बी ब्रैकेट्स। स्टूडेंट्स इसके जो रेस्ट वैल्यूज़ हैं ये डिवीजन एडिशन, इसको एज इट इज़ आपने सेकंड स्टेप में राइट कर देना है। और यहाँ पे भी आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना, पहले 20 - 10 इज इक्वल 10। अब यहाँ पे जो है इसकी ब्रैकेट जो है कम्प्लीट सॉल्व हो चुकी है, तो ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर जस्ट आप 10 राइट करोगे और माइनस इसके साथ पुट होगा। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसी ब्रैकेट को सॉल्व करें यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो इसका है ब्रैकेट्स का ही सोल्यूशन है। तो यहाँ पे इसका ऑपरेशन अभी अपने मल्टीप्लिकेशन की क्या, नेक्स्ट आपने क्या करना है एडिशन का। एडिशन का ऑपरेशन जब आप करोगे 10 में 24 को ऐड करें इक्वल होता है 34। एंड नेक्स्ट जब आप ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके हो तो नेक्स्ट आपके पास किस चीज़ का है, डी डी फॉर डिवीजन। तो आपने देखना इस स्टेप में है जब आप ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके हो, यहाँ पे देखें डिवीजन, तो आप क्या करोगे डिवीजन करोगे यहाँ पे 30
फोर को टू पे डिवाइड करना है आपने, डेट इज़ इक्वल 17। एंड नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास टू ऑप्शंस हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब आप बोर्ड मैथ्स में देखें इसमें आर्डर किस तरह है, सबसे पहले एडिशन है, नेक्स्ट फिर जो है सब्ट्रैक्शन है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एडिशन करोगे, पहले 20 में ऐड आपने करना है 17 को, डेट इज़ इक्वल 37। एंड नेक्स्ट आपने जो वैल्यूज़ हैं उसको एज इट इज़, अब यहाँ पे इस स्टेप में आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है, ये वैल्यू जो है एज इट इज़ राइट होगी। लास्ट में आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन, एस सब्ट्रैक्शन, तो ये 37 माइनस 10 डेट इज़ इक्वल टू 27। एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के रेस्ट जो क्वेश्चंस हैं इसी मेथड को, बोर्ड मैथ्स के मेथड को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, इस पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है अपनी मैथ के नोटबुक्स पे और उसकी पिक बना के सेंड करनी है सभी।